हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी 9 पावर का फ़ोन है और आप सभी लोग जो है अपने फ़ोन में जब भी जो है OTG कनेक्ट करते हैं या तो फिर पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, तो आपके फ़ोन में यहाँ पे पेन ड्राइव जो है वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। आपके फ़ोन में पेन ड्राइव जो है बिल्कुल भी नहीं बताता है। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है गाइज़, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन आएगा डेवलपर ऑप्शन करके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करते जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है USB डिबगिंग का। तो यहाँ पे दोस्तों, जब भी आप सभी लोग अपने फ़ोन में USB के थ्रू कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको इसको अपने फ़ोन में ऑन कर देना है। ओके, तो इसको आप जैसे ही अपने फ़ोन में ऑन करेंगे तो इस तरीके से आएगा, तो उसको 10 सेकेंड तक वेट करके आपको ओके करना है। ओके, तो उसके बाद आपके फ़ोन में जो पेन ड्राइव है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल भी कोई भी सेटिंग नहीं करनी है गाइस, तो बस आपको इतना ही करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।